नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया की खास पेशकश। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर, जिसमें सहराई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 148 रन का लक्ष्य 10 ओवर में वाट एक मुंगावली को दिया है। वाट एक मुंगावली को जीत के लिए 149 रन बनाने थे, जहां वाट एक मुंगावली स्कोर का पीछा करते हुए केवल 85 रन ही बना सकी है। सहराई ने वाट एक मुंगावली की टीम को ऑल आउट कर 63 रन से मैच अपने नाम कर लिया है, जिसमें मैन ऑफ द मैच सिमरनजीत रहे हैं, जिन्होंने 61 रन की पारी खेली है। वहीं मैन ऑफ द सीरीज गगनदीप सिंह रहे, जिन्हें पुरस्कार के रूप में वॉशिंग मशीन प्रदान की गई। विजेता रही सहराई की टीम को 1,51,000 रुपए की राशि नगद पुरस्कार, उपविजेता रही वाट एक मुंगावली को 75,000 रुपए की राशि नगद पुरस्कार मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव द्वारा प्रदान की गई है। अर्जुन कप के फाइनल धमाकेदार मैच का जमकर क्रिकेट प्रेमियों द्वारा लुफ्त उठाया है। सुबह से ही भारी संख्या में लोगों जेल स्थित क्रिकेट मैदान पर पहुंचना शुरू कर दिया, जहां हजारों की संख्या में क्रिकेट प्रेमी मैदान पर पहुंचकर वहां का आनंद लिया है। फाइनल मुकाबले में पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव भी परिवार के साथ मौजूद रहे व क्रिकेट का मजा लेते नजर आए हैं। प्रदर्शन किया, एक भाईचारे का संदेश भी दिया। वो जितने भी मैच खेले गए बहुत ही शांति पूर्वक खेले गए, भाईचारे से खेले गए, और जितनी ज्ञानन परिवार की टीम ने कप टूर्नामेंट में सहयोग किया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि सबके सहयोग से और आज फाइनल में पूर्ण हुआ और जो टीम जीती उसके लिए बहुत बहुत बधाई और जो दूसरे नंबर पर रही उसको भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन जैसा मैं चाह रहा था कि आखिरी ओवर में और आखिरी मैच में